दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो सेक्टर के बारे में, केमिकल सेक्टर के बारे में और साथ ही साथ पावर सेक्टर के बारे में। कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन हमें इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले थे। बात करें उस तेज़ी के पीछे की क्या वजह निकल कर आई थी, तो गवर्नमेंट सबसे पहले यहाँ पर केमिकल सेक्टर को कवर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट केमिकल सेक्टर के लिए PLI स्कीम लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है, और इसी कारण से कल के दिन हमें केमिकल सेक्टर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि PLI स्कीम से बेनिफिट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं PLI स्कीम कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मेन विजन है मेड इन इंडिया का, उसको और बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ रही है। अब बात करें कि इससे इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होता है, तो इंडस्ट्री कभी भी कैपेक्स करती है तो वो एक लिमिट तक ही यहाँ पर कैपेक्स करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो और प्रोडक्शंस को बढ़ाए, कोई भी कंपनियाँ और अपने प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करे, तो ज़्यादा कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाता है, कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर कैपेक्स ज़्यादा प्लान करती है। यानी कि अल्टीमेटली इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर कोई भी इंडस्ट्री 100 रुपये का खर्चा कर रही है, तो 10 रुपये का खर्चा उसमें से अगर गवर्नमेंट देती है और 90 रुपये सिर्फ इंडस्ट्री को देना पड़ते हैं, तो उससे इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और अल्टीमेटली जो हमारी गवर्नमेंट का गोल है मेड इन इंडिया का, वो भी पूरी तरीके से फुलफिल हो पाता है। और ऐसा करने से जो हमारे FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जब से इंडियन गवर्नमेंट PLI स्कीम लेकर आई है। 76% की जंप FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रही है। यहां पर कल के दिन जैसे ही हमें न्यूज आते हुए देखने को मिली कि इंडिया कंसीडरिंग, वर्डिंग पर ध्यान रखिएगा, इंडिया कंसीडरिंग PLI स्कीम फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, और यहां पर ये अपडेट किसकी तरफ से निकल कर आई है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो क्या सिर्फ फाइनल हो गया है कि PLI स्कीम आ ही रही है? नहीं, अगर आपने वर्डिंग पर ध्यान दिया होगा तो यहां पर लिखा हुआ है कंसीडरिंग, यानी कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि अभी हम सोच रहे हैं कि केमिकल सेक्टर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम लेकर आए, और इसी का असर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में केमिकल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर देखने को भी मिला। जैसा कि SRF लिमिटेड के अंदर आप देख सकते हैं 0.3% की तेजी हमें देखने को मिली, एक पॉजिटिव क्लोजिंग SRF लिमिटेड के अंदर देखने को मिली। अगर हम दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की बात करें तो दीपक नाइट्राइट के अंदर भी हमें 1.6% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर हमें 4.5% की तेजी भी देखने को मिली। यहां पर 2 पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली। रिसेंटली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने अपने Q1 के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हैं, हालांकि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो प्रीव्यू निकल कर आए थे कि कंपनी 35-36 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आए, जहां पर कंपनी ने 38 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके बाद में इस शेयर्स के अंदर हमें इतनी अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिली। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड भी एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, PLI स्कीम के चलते यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल किसी भी सेक्टर में अगर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक परफेक्ट रीज़न होता है। केमिकल सेक्टर के अंदर भी यही रीज़न हमें देखने को मिल रहा है। बात करें कि यहाँ पर अगर PLI स्कीम आ जाती है तो कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी फ़र्क पड़ेगा, जब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो यदि आपने केमिकल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर आप और अपने जो क्वांटिटी है उसे और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पावर सेक्टर कंपनियों को लेकर क्यों अपडेट हमें देखने को मिली और यहाँ पर इतनी तेज़ी क्यों आई। यानी कि कल के दिन की बात करें तो पावर सेक्टर कंपनियों में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, जिसमें टाटा पावर की बात कर लें, टोरेंट पावर की बात कर लें, सुजलॉन एनर्जी की बात कर लें, सभी में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। तो कल जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी उसमें पावर सेक्टर को भी लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से वही चीज़ वापस रिपीट करी गई जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हम विज़न लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीतारमन ऑल्सो सेड दैट द कंट्री हैज़ सेट इट्स साइट
ऑन बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047 एंड अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। तो ये तो ऑलरेडी टारगेट हमारी लेकर चल रही है गवर्नमेंट, इसमें कुछ नया यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो एक और पैरा निकल कर आया उसमें हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिली। यहाँ पर क्लियरली लिखा है नेट जीरो कांट बी अचीव्ड अनलेस ईच इंडस्ट्री एंड सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हर एक इंडस्ट्री सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम कर रही है वो नहीं, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है जो कि कोल डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रही है वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर लेती है, सोलर पैनल लगवा लेती है या फिर और जो अपने प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है तो उसी के चलते जो नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है 2070 तक का वो अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी सीतारमन जी ने क्लियर कहा है कि वी आर वेरी फोकस्ड ऑन ग्रीन ग्रोथ। तो अल्टीमेटली जैसे ही ग्रीन एनर्जी को लेकर इतना बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया सीतारमन की तरफ से, यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया, उसके बाद ही हमें इन सारी कंपनियों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिली। जो जो कंपनियाँ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है लाइक टाटा पावर की बात करें तो कल के दिन हमें 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। कंपनी हाँ इसके फाइनेंशियल रिजल्ट भी 9 अगस्त के दिन डिक्लेयर करने वाली है, तो 9 अगस्त की तारीख तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। नहीं अगर सिर्फ टाटा पावर की ही नहीं टोरेंट पावर की बात करें तो टोरेंट पावर के अंदर भी हमें 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी एस्टेब्लिश किए हैं, तो उसके चलते भी शेयर्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले हैं। वहीं साथ ही साथ बात करें तो कंपनी ने यानी कि टोरेंट पावर ने रिसेंटली सीमेंस के साथ में भी एक कोलैबोरेशन किया है ईवी चार्जिंग नेटवर्क को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें टोरेंट पावर के लिए देखने को मिल रही है। अगर NTPC लिमिटेड की बात करें तो 3.7% की तेजी हमें NTPC लिमिटेड के अंदर भी देखने को मिल रही है। NTPC कमीशन्स इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो NTPC भी ईवी के अंदर बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। वहीं अगर हम IEX की बात करें तो IEX भी पावर सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है, यहाँ पर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी 3% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इस शेयर्स के अंदर तो हमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की काफ़ी बड़ी बल्क डील्स भी होते हुए देखने को मिली है। तो अल्टीमेटली ये दोनों सेक्टर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले हैं और ये फ्यूचरिस्टिक भी हो सकते हैं। तो यदि आपने इन दोनों सेक्टर्स के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। आने वाले 5 सालों के मल्टीबैगर स्टॉक्स ये बनने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।